हम मनपा में कल गए थे, मेरा एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू मैं सबको हर घर तिरंगा के लिए झंडे के लिए गई थी, लेकिन मुझे वहाँ किसी ने बात सीधी सी बात भी नहीं की और किसी ने बताया भी नहीं। किसी से पूछे जब पूछने जाओ तो वो बोलते हैं वहाँ जाओ, वहाँ गए तो बोलते वहाँ जाओ। ऐसे बहुत मेहनत कर तकलीफ झेली उनसे, फिर मैं ऐसा करके आगे जाके वार्ड अधिकारी के पास जाके फिर वहाँ से मुझे वो झंडे वो उपलब्ध हो गए। उद्देश्य हमारा ये था कि सम्राट अशोक महिला विकास मंडल के तरफ से एकता का एक प्रचार भी रहेगा, उसमें घर घर हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। सबने स्वतंत्र दिन का तो पूरा लाभ उठाया सबने। आम्ही शासनाचे जे पण उपक्रम असतील, शासनाचे जे स्कीम असतील, त्या महिलांसाठी आम्ही राबवू आणि महिलांसाठी महिलांची प्रगती होण्यासाठी महिलांच्या प्रगतीसाठी आम्ही नक्कीच शासनाचे जे उपक्रम शासनाचे जे के असतील जे पण स्कीम असतील ते आम्ही सगळं राबवू। मॅडम कल जो महानगरपालिका में आप गए थे झंडा मांगने के लिए लेने के लिए, तो तब क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि आपको काफी जद्दोजहद करना झंडे के लिए? हमने तो दो तीन घंटे वहाँ बैठे थे, हमें झंडा नहीं मिला। उन्होंने बोला कि अभी ख़त्म हो गया है, यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमने वार्ड अधिकारी के पास जाके हमने वो झंडा उपलब्ध कर लिया। वहाँ पे आए जब आप, कौन से ऑफिसर को मिले वहाँ पे, या कोई ऑफिसर था ही नहीं मिलने के? थे ऑफिसर थे लेकिन नाम पता नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छे से हमें हमारा एप्लीकेशन लेके हमें तुरंत झंडे दे दिए उन्होंने। आज जो हमने सम्राट अशोक महिला मंडल जो है उनके लिए हमने हर संस्था ने मिलके उनको सपोर्ट में, लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन है, हम एनिमल्स के लिए काम करते हैं, सलोका प्रस्थापन संस्था है जो कि वो मल्टी सर्विसेज है, तो हमने सब ने मिलके यहाँ पे एक माड़ा कॉलोनी में आज एक हर घर तिरंगा की मुहिम के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और ये अच्छी तरीके से सक्सेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो नागरिक थे वो नागरिकों को घर घर झंडा अवेलेबल आसानी से हो जाए, ये हमारा उद्देश्य था।
तिरंगा और वो हर घर तिरंगा लगा सके, यही हमने इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। मेरा नंबर है 8087115569 और कलेक्टर ऑफिस के सामने मोहनलाल नगर है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आप हमको संपर्क कर सकते हैं।